बीजेपी नेता ब्रजपाल समेत 6 लोगों पर फायरिंग, हमले में AK-47 हथियार का इस्तेमाल। राजनगर में इन पर फायरिंग किया गया और जो गाड़ी की हालत आप देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑटोमेटिक हथियारों से दोनों तीनों तरफ से गाड़ी पे गोली बरसाई गई। ब्रजपाल को गाजियाबाद से नोएडा रेफर किया गया, हालत गंभीर। पुलिस ने वारदात की जगह से 9 mm की पिस्टल और एक AK-47 बरामद की। जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा के लिए दिल्ली में सर्वदलीय बैठक, प्रधानमंत्री भी करेंगे शिरकत। सर्वदलीय बैठक से पहले अलगाववादियों का नया पैंतरा, 13 से 18 अगस्त के लिए जारी किया विरोध का कैलेंडर। कश्मीर में अवंतीपुरा के करीब झेलम नदी में अलगाववादियों की बोट रैली, गृहमंत्री राजनाथ सिंह की चेतावनी के बावजूद लहराए गए पाकिस्तान के झंडे। पाकिस्तानी आतंकी के कबूलनामे के बाद विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को घेरा, कहा पूरी तरह बेनकाब हो गया पड़ोसी मुल्क। पाकिस्तानी आतंकी बहादुर अली के कबूलनामे पर पाक का वही पुराना राग, कहा आतंक के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी जमीन। पाकिस्तान में अपने परिजनों से मिलना चाहता है कुपवाड़ा से धरा गया आतंकी बहादुर अली, जांच एजेंसी NIA से लगाई गुहार। POK के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, चुनाव में धांधली के आरोप पर भड़का लोगों का गुस्सा। 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान सीमा पर कड़ी चौकसी, घुसपैठ रोकने के लिए BSF जवानों ने बॉर्डर पर जमाई नजरें। अमृतसर और चंडीगढ़ से खालिस्तान जिंदा फोर्स के 3 आतंकवादी गिरफ्तार, सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक बेल्जियम और पाकिस्तान से हो रही थी फंडिंग। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में डिवमिंग की दवा खाने से करीब 400 बच्चे बीमार, 300 बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पार्लियामेंट में आज मॉनसून सेशन का आखिरी दिन, मैटरनिटी बिल और बाढ़ पर होगी चर्चा। नारायण मूर्ति का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर निशाना, का स्मार्ट सिटी से कोसों दूर है भारत। दिल्ली के द्वारका विधानसभा में पानी की किल्लत को लेकर मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, लोगों ने दिखाए काले झंडे। मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच में ईडी ने छगन भुजबल की 90 करोड़ की संपत्ति की जब्त, नासिक मुंबई अहमदाबाद की 2 दर्जन संपत्तियां जब्त। मुंबई पुलिस की जांच में जाकिर नायक पर बड़ा खुलासा, सूत्रों के मुताबिक पिछले 3 साल में बैंक अकाउंट में 3 देशों के जमा किए 60 करोड़ रुपए। आगरा यूनिवर्सिटी चीफ प्रॉक्टर पर RSS के कार्यक्रम के लिए डोनेशन लेने का आरोप, निजी स्कूल के मालिकों ने लगाया आरोप। पुंछ में बुद्ध अमरनाथ यात्रा के लिए निकला भक्तों का जत्था, सावन में शिव की भक्ति में डूबे यात्री। बेंगलोर में 1000 बच्चों ने मोदी को लिखा खत, खत में पर्यावरण को लेकर जताई चिंता। बस्तर में एक नक्सली का एनकाउंटर, पुलिस ने प्लान के तहत किया एनकाउंटर। बहराइच में 20 रुपए के लिए बच्चे को इंजेक्शन ना देने के मामले में CMS को पद से हटाया, आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद हुई कार्रवाई। बुखार की वजह से कुछ दिन और अस्पताल में रहेंगे सोनिया गांधी, वाराणसी में तबीयत खराब होने के बाद पिछले 8 दिनों से अस्पताल में है भर्ती। देश की कामकाजी महिलाओं को डबल मैटरनिटी लीव का बिल राज्यसभा में पास, 13 हफ्तों के बजाय मिलेगी 25 हफ्ते की छुट्टी। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की कन्हैया कुमार की जमानत रद्द करने की याचिका, JNU छात्र संघ पर था बेल की शर्तों के उल्लंघन का आरोप। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिले पेशावर जेल में बंद हामिद अंसारी के माता पिता, का सरकार पर पूरा भरोसा। जासूसी के आरोप में पेशावर की जेल में बंद है हामिद अंसारी, विदेश मंत्री से मिलकर माता पिता ने लगाई बेटे की रिहाई सुनिश्चित करने की गुहार। उत्तर प्रदेश में घाघरा गंडक का राप्ती सरयू गंगा यमुना में आया उफान, कई इलाकों में बाढ़ के हालात। लखनऊ में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ा, बाहरी इलाकों में घुसा पानी। हमीरपुर में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात, सड़कों पर आया सैलाब। अलवर में बारिश की वजह से हरसौला नदी में एक परिवार के फंसे 16 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित निकाला गया। हिमाचल के कांगड़ा में भरभराकर गिरा 160 मीटर लंबा पुल, प्रशासन ने कर रखा था बंद। 44 साल पुराना था हिमाचल और पंजाब की सीमा पर बना पुल, एक दिन पहले ही बंद कर दी गई थी आवाजाही। राजस्थान के सवाईमाधोपुर में भारी बारिश से टापू में तब्दील हुई दर्जनों गांव, करीब 300 लोगों को NDRF की टीम ने किया रेस्क्यू। राजस्थान के बारा में टापू में तब्दील हुए पार्वती नदी के किनारे बसे गांव, पिछले 15 दिनों से जिला मुख्यालय से कटा संपर्क।
राजस्थान के पाली में भी भारी बारिश से कोहराम, पानी में डूब गई शहर की रिहायशी कॉलोनियां। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में चार दिनों से लगातार बारिश, पानी में डूबी शहर की रिहायशी कॉलोनियां, एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद। राजस्थान के डंगरपुर में बारिश की वजह से टापू में तब्दील हुआ बेणेश्वर धाम, पिछले चार दिनों से फंसे हैं करीब 25 लोग। राजस्थान के प्रतापगढ़ में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले रास्ते ठप। राजस्थान के करौली में भारी बारिश से उफान पर बनास नदी, पानी में घंटों तक फंसे रहे करीब 200 लोग, प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। राजस्थान के बीकानेर में भारी बारिश से ऐतिहासिक इमारतों के गिरने का खतरा, नगर निगम ने जारी किया अलर्ट, लोगों को दूर रहने की सलाह। फर्श पर थूकने को लेकर दिल्ली के हौज खास में हुआ मर्डर, कातिल ने थूकने वाले को चाकू से गोदा। कत्ल करने के बाद भाग रहे युवक को लोगों ने पकड़ा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। ठाणे में रियल स्टेट के व्यापारी के अपहरण की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार। अपहरणकर्ताओं ने की थी 1 करोड़ की फिरौती की मांग, पुलिस ने 21 लाख रुपए किए बरामद। महाराष्ट्र पूर्व प्राथमिक शिक्षा सेविका संघ के राज्य अध्यक्ष मंगल जेधे का शव जमीन से गड़ा मिलने से हड़कंप, पोल्ट्री फार्म के पीछे मिला शव। यमुनानगर में एक 5 साल की बच्ची की इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। परिजनों का आरोप, बच्ची को कोई बीमारी नहीं थी, रूटीन चेकअप में दिया गलत इंजेक्शन। दिल्ली के सुभाष नगर हिट एंड रन मामले में आरोपी टेम्पो ड्राइवर गिरफ्तार, आरोपी ड्राइवर का नाम राजेश। कल दिल्ली में टेम्पो ड्राइवर ने मारी थी युवक को टक्कर, 2 घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा था शव। गुलबर्गा में पुलिस ने 10 क्विंटल के दूध पाउडर किए सीज, आंगनवाड़ी का पाउडर को अलग से बेचने का चल रहा था गोरख धंधा। महाद हादसे में बही 2 में से 1 बस मरीन कमांडो ने खोज निकाली, 2 दिन से चल रहा है सावित्री नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन, 26 शव बरामद, 14 लापता। मुंबई के विक्रोली स्टेशन में एक महिला ने आत्महत्या की कोशिश की, यात्रियों ने बचाई जान। धनगर समुदाय के लोगों ने एनसीपी दफ्तर के सामने किया प्रदर्शन, आरक्षण के खिलाफ दिए बयान से थे नाराज। पुणे के जिन्नर में पिंजरे में आ गया तेंदुए का बच्चा, वन विभाग ने मादा तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाया था रात भर, मादा तेंदुए अपने बच्चे के पिंजरे से निकालने की कोशिश में लगी रही। विजयवाड़ा में कृष्णा पुष्करम फेस्टिवल के दौरान मीट पर लगाया बैन, 12 दिन तक लगेगा मेला। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया आसाराम की अंतरिम जमानत की अर्जी, सेहत की जांच के लिए एम्स को मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश। महाराष्ट्र के रायगढ़ में महाड़ हादसे के 9वें दिन रेस्क्यू टीम को कामयाबी, सावित्री नदी में वही 2 बसों का मलबा बरामद। ड्रेन में बेटी से छेड़छाड़ के बाद पिता की खुदकुशी केस में आरोपी गिरफ्तार, पिता की मौत के बाद बेटी ने भी की खुदकुशी की कोशिश। मुंबई के विक्रोली स्टेशन पर एक महिला ने की सुसाइड की कोशिश, ट्रेन के ड्राइवर और यात्रियों की सूझबूझ से बची जान। दिल्ली के द्वारका में टैक्सी में मिली ड्राइवर की लाश, 2 दिन से घर नहीं लौटे थे महेश शर्मा, मौत की वजह ढूंढने में जुटी पुलिस। गुड़गांव में सामने आया एक स्कूल बस में 4 साल की बच्ची से बलात्कार का मामला, आरोपी बस अटेंडेंट गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में 45 साल की महिला ने प्रेमी के साथ की खुदकुशी, बेटे ने किया था दोनों के प्यार का विरोध। मध्य प्रदेश के मुरैना में दिल दहलाने वाली वारदात, एक शख्स ने पूरे परिवार समेत चंबल नदी में लगाई छलांग। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में टोल मांगने पर कर्मचारी से मारपीट, आरोपी ड्राइवर ने टोल नाके पर की तोड़फोड़। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में शराब के नशे में एक महिला का हंगामा, पुलिस वालों को थप्पड़ मारने का आरोप। गुजरात के दाहोद में प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच फंसी महिला, प्लेटफार्म तोड़कर महिला को बचाया गया। राजस्थान के रावत भाटा में प्राइवेट फैक्ट्री में धमाका, 2 लोगों की मौत, 2 घायल। झालावाड़ के मिनी सचिवालय के लिफ्ट में फंसे अधिकारी, 1 घंटे बाद बाहर निकाला जा सका। नोएडा के एक परिवार ने यूपी के सीएम से की गुहार, सिर्फ फिरे आशिक से बचाने के लिए मांगी मदद। आज बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगे ऋतिक और अक्षय, मोहनजोदारो और रुस्तम हुई रिलीज। ऋतिक की मोहनजोदारो है पीरियड मूवी, आशुतोष गवारकर हैं डायरेक्टर। रुस्तम में अक्षय कुमार बने हैं नेवल अफसर,
नौसेना अधिकारी नानावती की जिंदगी पर है आधारित। धोनी की फिल्म का ट्रेलर की धूम, यूट्यूब में कुछ घंटों में 6 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा ट्रेलर। बैंजो फिल्म के प्रमोशन में भड़के रितेश देशमुख, कहा वो सिल्वर स्पून लेकर नहीं पैदा हुए। धड़कन के सीक्वल में सिद्धार्थ कपूर कर सकते हैं एक्टिंग, दूसरे हीरो के लिए सूरज पंचोली और फवाद खान के नामों की चर्चा। धड़कन 2 में श्रद्धा कपूर बन सकती है हीरोइन, 2000 में आई हिट फिल्म का बन रहा है सीक्वल। सुरक्षा सेना जल्द कर सकती है शादी, बंटी सचदेव को कर रही है डेट। मिक्स डबल्स में रोहन बोपन्ना और सानिया ने हासिल की जीत, ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी को 7-5, 6-4 से दी मात, क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। रियो में भारतीय महिला हॉकी ने किया निराश, अमेरिका ने 3-0 से दी मात। ओलंपिक हॉकी में भारत की एक हार, नीदरलैंड ने 2-1 से हराया। हार के बावजूद भारतीय हॉकी टीम ने नॉकआउट में किया प्रवेश, 1980 के बाद पहली बार खेली गई नॉकआउट। रियो ओलंपिक के आयोजकों ने खेल मंत्री विजय गोयल का एक्रेडिटेशन पास रद्द करने की धमकी दी, गोयल के खेल मैदान में जाने से थे नाराज। आज तक पर विजय गोयल के सफाई का मैदान तक स्थानीय वॉलंटियर ही ले गए थे। भारत वेस्टइंडीज टेस्ट के तीसरे दिन बारिश ने डाला खलल, एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। थाईलैंड के समंदर के किनारे रिसॉर्ट में 2 बम अटैक, 1 महिला की मौत, 10 घायल। सीरिया में हवाई हमले में करीब 1 दर्जन लोगों की मौत, वहीं 15 से ज्यादा लोग हुए घायल, वीडियो हुआ जारी। रूस ने आईएस के ठिकानों पर किए हवाई हमले, सीरिया के रक्का में की हवाई कार्रवाई। ट्रंप ने दिया ओबामा पर विवादित बयान, कहा आईएस के संस्थापक हैं बराक ओबामा। पुर्तगाल में जंगल में लगी आग का कहर जारी, अब तक 4 लोगों की मौत।